माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद। जोरदार ताली बजा करके हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें। जोरदार ताली, वो आपका अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ हिला करके। हमारे अपने उज्जैन में, उज्जैन एक नया इतिहास लिखा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। जोरदार ताली बजा करके माननीय अपने बीडी शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी है, उनका भी अभिनंदन करें। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हम आपको संबोधित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं वीडी शर्मा जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक सभा में, महाकाल की नगरी में, देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी आज इस सभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय अमित जी का अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों के साथ। आज इस सभा में उपस्थित आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय विवेक जोशी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मोहन यादव जी, बहादुर सिंह बोर मंडला जी, आदरणीय अनिल जैन जी, सतीश मालवीय जी, बहादुर सिंह चौहान जी, ताराचंद गोयल जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, और उपस्थित हमारे आज इतनी बड़ी संख्या में नागरिक भाई और बहनों। माननीय अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आज इस ऐतिहासिक अभियान में आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, जो जनता जनार्दन आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर भारत के मान और सम्मान के साथ, विकास के नए आयाम के साथ, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारों ने इस मध्य प्रदेश को, जो कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य था 2003 से पहले, और 15 महीने की सरकार में जो मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटाधार के सारे पर चली हुई सरकार में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश को बनाया और हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था, आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश को जो ताकत दी है, आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर 1,17,000 करोड़ के विकास और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, तो विकास और गरीब कल्याण, हर गरीब के लिए खड़े होने का काम, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज मैं इस सभा में माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करते हुए केवल इतनी बात कह करके कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी आज जो उपस्थित हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भारतीय राजनीति के हमारे आज के चाणक्य हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से पुनः एक बार आदरणीय अमित जी का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री यशस्वी, माननीय अमित जी के लिए जोरदार ताली बजा रहा हूं। मैं उनको सीधा आमंत्रण दे रहा हूं, वो आए बाबा महाकाल की धरती पर अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार ताली बजा करके अमित शाह जी जिंदाबाद। मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के
केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, हमारे उज्जैन के सभी प्रत्याशी, उज्जैन उत्तर से श्री अनिल जैन जी, उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव जी, नागदा से तेज बहादुर सिंह चौहान जी, महितपुर से श्री बहादुर सिंह चौहान जी, तराना से ताराचंद गोयल जी, गटिया से श्री सतीश मालवीय जी और बड़नगर से श्री जितेंद्र पंड्या जी, और आज महाकाल की इस भूमि पर यहाँ पर पधारे हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, सबसे पहले बाबा महाकालेश्वर की भूमि पर मैं आया हूं। मैं यहां से सीधा बाबा के दर्शन के लिए जाने वाला हूं, मगर मेरी बोलने की शुरुआत बाबा को शीश झुकाकर मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये पावन नगरी भारत भर के सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यही जगह है जहां से वेद काल से भारत के संध्या पूजन का समय तय होता है, स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। ये हमारा महाकाल का भूमि है। यही भूमि है जहां भर्तृहरि ने भी अपने कई सारे साहित्य की रचना की। वीर विक्रम की बातों से पूरा देश का बच्चा बच्चा राजा विक्रम के ज्ञान और पराक्रम से जानकार है। ये महाकवि कालिदास की भूमि है। सम्राट अशोक का बचपन जहां गया, ये यही उज्जैन है। महान समुद्रगुप्त जहां कलेक्टर बनकर आए थे, ये यही उज्जैन है। और जहां पर महाराज मुंज और भोज ने महाकाल की उपासना की, यही उज्जैन है। ये उज्जैन की पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जरा मीडिया वाले बैठ जाओ भैया, सेट कर पीछे दिखाई पड़े, जरा बैठ जाइए, जरा प्लीज। मैं यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, आप बैठ जाइए नीचे। अरे यार, युवा आदमी हूं मैं, आज भी गिरूंगा नहीं, काहे को तुम चिंता कर रहे हो, कोई शॉट नहीं मिलने वाला है, बैठ जाओ। ओ बड़े वाला, अरे भाई साहब सुनते हो ना आप। मित्रों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता ने अपना मत प्रकट करना है। मैं आज जब उज्जैन की धरा पर आया हूं, तब मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप किसी एमएलए को चुनने के लिए मत दीजिए। आप किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिए वोट। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी वोट मत दीजिए। ये बात याद रखिएगा, आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस तरह से वोट, क्योंकि आपके सामने दो ही विकल्प। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। माताओं भाइयों बहनों, मैं पड़ोस से ही राज्य से आता हूं, बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे
अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आज 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेशों में सड़कों का जाल बिछाकर मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है। मित्रों, मध्य प्रदेश का विकास और गरीबों का कल्याण, शहरों का विकास, गांव का कल्याण, उज्जैन का विकास, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। मैं आज आपको बताने आया हूं, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था। सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया कितना था जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो, 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिक्षा के बजट को 2,456 करोड़ से 38,000 करोड़ पहुंचाया और प्रति व्यक्ति आय जो विकास का द्योतक मानी जाती है, एक मानदंड माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय 11,000 करोड़ रुपया थी। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का, 11,000 रुपया थी, 11,000 से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बंटाधार की सरकार 60,000 किलोमीटर के रोड छोड़कर गई थी। आज मध्य प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर रोड बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, अभी कमलनाथ का मैं भाषण सुनता था, किसानों की बात कर रहे थे। अरे कमलनाथ, जरा शर्म करो, शर्म अपने गिरेबान में जाको। आपके समय में 4,40,000 टन गेहूं खरीदा जाता था, सिर्फ 4,40,000 टन। हमारे समय में अब 71,00,000 मैट्रिक टन गेहूं किसानों का एमएसपी पर खरीदने का काम होता है। मित्रों, युवाओं के लिए मेडिकल सीटें, ये 620 छोड़कर गए थे, हमने 4,000 तक पहुंचाई। आईटीआई की संख्या 159 से 1,014 तक पहुंचाई। और पर्यटक, क्योंकि कानून और व्यवस्था की धज्जियां उन्होंने उड़ा कर रखी थी, पर्यटक पहले 64,00,000 आते थे, इसकी जगह मध्य प्रदेश में 64,00,000 से बढ़कर 9 करोड़ पर्यटक अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में आते हैं। मित्रों, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को कितना महत्व दिया है। और मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे विकास के काम किए हैं, मैं बाद में बताता हूं, परंतु एक बात याद रखना भैया, आपका वोट, जैसा मैंने कहा, ऐसे सिर्फ मध्य प्रदेश का एक एमएलए का चुनाव नहीं करेगा, आपका वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश के अंदर भारी परिवर्तन करने का काम किया है। मुझे बताओ उज्जैन वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, अंत तक, हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ और बंटाधार की पार्टी 70 साल से धारा 370 को हटाती नहीं थी। 2019 में
आपने मोदी जी की झोली कमल से भर दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संसद में समाप्त करने का काम कर। और उस वक्त एक कांग्रेसी है राहुल बाबा क्या कहते थे, मत हटाइए मत हटाइए, धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और मोदी जी ने आज हमारे कश्मीर को, भारत माता के मुकुट मणि को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। मैं यहाँ आया हूँ, भैया मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डालने का काम किया। ये राहुल बाबा, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था, हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे, मुझे ताना लगाते थे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में वही जगह पे रामलल्ला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित होंगे। मित्रों, और एक कांग्रेस पार्टी माताओं भाइयों बहनों, हमारे शासन में महाकाल लोक बना। दुनिया भर से जितने लोगों ने महाकाल लोक का विजिट किया, दर्शन किया, सभी ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है, एक कमलनाथ के अलावे। उज्जैन वालों बताओ मुझे, महाकाल लोक के निर्माण का जो विरोध करते हैं वो कांग्रेसियों को मध्य प्रदेश में शासन का अधिकार देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? सिर्फ महाकाल लोग नहीं, मोदी जी के शासन में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनरोद्धार हुआ, और मित्रों भारत चंद्रयान से चंद्रमा पर भी पहुंच गया, ये मोदी जी का शासन। हम कुछ भी करते हैं, एक कांग्रेस को विरोध करने की आदत पड़ गई। हम ट्रिपल तलाक हटाते हैं, ये कहते हैं ट्रिपल तलाक मत हटाइए। हम धारा 370 हटाते हैं, वो कहते हैं धारा 370 मत हटाइए। हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सीधा करने का काम करते हैं, वो कहते हैं उसमें भी उनको पेट में दुख। अरे राहुल बाबा, आपके समय में आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आ जाते थे और बम धमाके कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी के समय में उरी और पुलवामा में हमला किया, वो पाकिस्तान के घुसे हुए आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। इसका भी कांग्रेस विरोध कर रही। देश भर के लोग, जब दुनिया के इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष G20 में आए, आनंद, हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहे। मुझे बताओ, महाकाल के गांव वाले लोग, उज्जैन के लोग, G20 से भारत का यश बड़ा है या नहीं बड़ा है? भैया, आपको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? इसमें भी कांग्रेस ने विरोध कर दिया। अरे जरा डूब मरो, महात्मा गांधी की समाधि पर दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष जब रीग लेकर खड़ा होकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मगर इनका स्वभाव है विरोध करना। मित्रों, इन्होंने 10 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार ने कुछ नहीं कहा। भारत के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी ने भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम सिर्फ 10 साल के अंदर किया, और आने वाले 2 साल में भारत का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार के अर्थतंत्र की गति नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, सीमाओं को चौक चौबंद किया, वामपंथी उग्रवाद पर नगेल कसी, कश्मीर में शांति प्रस्तावित कर दी थी, और PFI जैसे संगठन पर एक ही दिन में 250 से ज्यादा एक्टिविस्ट को पकड़कर PFI को बैन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये मालवा है, सिमी का गढ़ रहा है, हमारे पास का मालवा, आप मुझे बताओ भाई, PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? एक कांग्रेस वाले उसका भी विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाएंगे इसका भी विरोध करेंगे, और हम नर्मदा का जयकारा लगाते हैं तो भी उनको पसंद नहीं आता है, संत रविदास का मंदिर बनाते हैं तो भी पसंद नहीं आता है। और भाइयों और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश में विगत 18 साल में, हमारे नेता शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, इसका कोई जवाब कमलनाथ और बंटाधार की टीम के पास नहीं। ये तीन परिवार, गांधी परिवार, कमलनाथ, नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह और उनके बेटे, इन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद करने के अलावे कोई काम नहीं किया था। मित्रों, मुझे देरी हो गई, हेलीकॉप्टर की जगह मैं रोड से आया, इंदौर से उज्जैन आया, हर जगह रोड पर कहीं न कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, इंदौर में कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के 9,00,000 करोड़ रुपए के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही बजट में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने 9 साल में 31,00,000 करोड़ रुपया, जरा जोर से बोलिए कितना, जोर से बोलो कितना, 31,00,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च करने का काम किया है। भैया कमलनाथ, मैं आज भगवान महाकाल की भूमि पर आपको चुनौती देकर जाता हूं, सोनिया मनमोहन के 10 साल और नरेंद्र मोदी जी के 9 साल किसने मध्य प्रदेश का विकास किया, इसका चर्चा करना है तो जगह आप तय कर लो,
हमें कोई आने की जरूरत नहीं है, हमारा उज्जैन का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपको जवाब दे देगा। माताओं, भाइयों और बहनों, ये 18 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश में उद्योग को लाने का काम, मध्य प्रदेश की बच्चियों को पढ़ाई लिखाई कराने का काम किया है, लाडली बहना की योजना देने का काम किया है। और मुझे बताओ उज्जैन वालों, सभी का कोरोना का टीका हो गया है नहीं हो गया है? दोनों टीके लगे, जरा हाथ ऊपर करो तो, जरा हाथ ऊपर करो, जरा फिर से। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर गरीब के घर में, हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम किया। लगभग 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 93 लाख मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपया भाजपा की दोनों सरकारें प्रति साल दे रही है। 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है। 80 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और 82 लाख से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 45 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। अब कमलनाथ, आप मध्य प्रदेश की जनता को बताइए, अगर आपने इतने सालों तक मध्य प्रदेश और देश में राज करा, आपने सब करा होता तो हम कैसे कर पाते भाई? आपने कुछ नहीं किया था। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को मोदी जी ने जीवन की सारी सुविधाएं देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको अपील करने आया हूं, मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करे। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए देश को सुरक्षित करने में मोदी जी का हाथ बताए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो देश को समृद्ध करने में मोदी जी का हाथ बताए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो गरीब कल्याण करने में मोदी जी का हाथ बताइए। और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए कि पूरी दुनिया में हमारे प्यारे भारत को नंबर 1 बनाने में मोदी जी का हाथ बढ़ाए। अब अगर मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुननी है तो कमलनाथ की सरकार मोदी जी का सहयोग कर सकती है क्या भाई? मोदी जी कोई भी योजना भेजेंगे, कमलनाथ जी इसको नीचे ही नहीं उतरने देंगे। एक किसान कल्याण निधि जो है मोदी जी ने कमलनाथ के शासन में की थी, मगर किसानों का सूची नहीं भेजा। फिर से शिवराज जी की सरकार बनी और 93 लाख किसानों का सूची भेजा और आज हर किसान को 12,000 रुपया प्रति साल मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल पर वोट देना की अपील करने के लिए मैं आया। सारे प्रत्याशी जरा आगे आ जाओ भाई। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हमारे सभी प्रत्याशियों को विधायक बनाकर भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे? 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ, वे यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे लिए सौभाग्य का दिन है, यशस्वी